बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, मिर्जन कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वन इट्स प्रोजेक्ट, डिटेल आर इज अंडर, लोन लिया उसने स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन, मींस ये स्पेसिफिक लोन हो गया हमारा 1 मिलियन का, ठीक है। डिटेल एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ प्रोग्रेस बिल्स, ये बिल्स आ रहे हैं आपके पास, 1 फरवरी को मिला आपको 7 लाख का बिल, 1 जून को मिला है 7.5 लाख का बिल, और 1 नवंबर में 1 मिलियन का। एंड बिल्स आर सेटल इन 30 डेज, मीन्स आपकी पेमेंट कितने दिन में करते हो आप, 30 दिनों में पेमेंट करते हो, डन है यहाँ तक मेरी बात। फिर लिखा है एडवांस 10% गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा एडवांस है, मोबिलाइजेशन। ओके, इंटरेस्ट रेट दिए मैं इसने आपको, स्पेसिफिक लोन कितना 15%, जनरल लोन कितना दिया भाई 20%, और इनकम रेट कितना आपके पास 7%, डन। और प्रोजेक्ट की प्राइस कितनी है आपके पास, 3 मिलियन। रिक्वायर्ड क्या है हमें, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन नंबर बी पे SOFP SOCI और नंबर सी पे जनरल एंट्रीज। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 जैन से ही हम समझते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे लेफ्ट ओवर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। पहले एंट्री क्या करी इसने, इसने जो भी प्रोजेक्ट प्राइस होगा आपके पास उसका क्या देगा, एडवांस देगा 10% किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, जिसको मोबिलाइजेशन एडवांस बोल रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी मेरे पास 1 जैन को, पहले हमने लोन लिया हमने सबसे पहले, तो एंट्री क्या पास हुई, बैंक डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 1 मिलियन से। उसके बाद 1 जैन को मैं एक और एंट्री पास कर रहा हूँ एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर और बैंक क्रेडिट, कितना परसेंट बोला इसने, 1 मिलियन का, 1 मिलियन का 10% या 3 मिलियन का 10%। आपका प्रोजेक्ट प्राइस कितना है, 3 मिलियन, 3 मिलियन का क्या देंगे, 10% देंगे, 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो गया मेरे पास, 3 लाख। अरे बात क्लियर है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देन मेरे पास कितने पड़ोंगे यहाँ पे, अब 1 मिलियन में से मैंने कितने खर्च कर दिए, मैंने 3 लाख तो खर्च कर दिए, तो कितने बचे मेरे पास, 7 लाख, 7 लाख मुझ पर कहाँ गए, लेफ्ट ओवर में पड़े मेरे पास। उसके बाद फरवरी मैंने क्या करा, मैंने एक्सपेंडिचर किया कितने का, 7 लाख का, लेकिन मैं बिल जो सेटल कब करूँगा, 30 दिन में करूँगा, तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी 1 फरवरी को, 1 फरवरी को मैंने एंट्री पास कर रहा हूँ CWIP डेबिट, CWIP में पूरा जा रहा होगा कितने से, 7 लाख से, 7 लाख। उसके बाद मैं एडवांस क्रेडिट कर रहा हूँ कितने से, जो मैंने एडवांस दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर मैं 7 लाख का लूँ 10% कितना आ जाएगा, 70,000 डिडक्ट कर रहा हूँ मैं, डन है, 7 लाख का 10%, 300 कॉमन ले लूँगा। और अब ये पेमेंट कब कर रहा हूँ मैं, 30 दिन बाद करूँगा, मीन्स ये आज के दिन मैं कोई पेमेंट नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्टर को जो मुझे बिल दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको पेबिल दिखा दूँ कि पेबिल मुझसे कितना है, बकाया अमाउंट कितना आ रहा है, 6,30,000 रुपये, तो मुझ पर क्या है, पेबल है, ना कि मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट कब कर रहा हूँ मैं इसकी, 30 दिन के बाद। तो 30 दिन के बाद मतलब 1 फरवरी को पेमेंट कर, 1 मार्च को पेमेंट कर रहा हूँ मैं, कि पेबल क्रेडिट, पेबल टू किसको कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर बिल ला के दे रहा होगा ना आपको, तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कर दूंगा मैं, और बैंक क्या कर रहा हूँ अपना क्रेडिट कर रहा हूँ, कितने से, 6,30,000 से। तो अगर मैं लेफ्ट ओवर में पैसे कब कम कर दूं, फरवरी में ही कम कर दूं, तो मेरे से गलत हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट कब कर रहा हूं मैं, 1 मार्च को कर रहा हूं, तो पैसे भी कम होने कब चाहिए, 1 मार्च को। तो 7 लाख फरवरी में बैंक के अंदर 7 लाख थे, एज इट इज, डन। मैंने पेमेंट कब करी यहाँ पे, मैंने 1 मार्च को, तो 1 मार्च को क्या कम होंगे, 6,30,000 रुपये कम हो जाएंगे बैंक से, कब हो रहे हैं, 1 मार्च को, तो कितने पैसे बचेंगे बैंक में, 7 लाख में से 6,30,000 मैंने खर्च कर लिए, कितने बचे, 70,000 बचे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला उसने, कब पेमेंट कर रहा है, 7,50,000 रुपये की,
और मुझे क्या है, मुझ मैं ऑडी भी ले सकता हूँ, मतलब मेरे पास जनरल लोन का भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है मुझे, तो ऑडी की सर्विस मेरे पास है। तो मैं अब नेक्स्ट हफ्ता कब कर रहा हूँ, 1 जून को, तो कितने का बिल आ रहा है मेरे पास, 7.5 लाख का। तो जून तक मैं सेम रहेगा मेरे पास, 70,000 रुपये बैंक में है मेरे पास, 70,000 है बैंक में, 70,000। जून में क्या एंट्री पास करी मैंने, जून में मेरा बिल आया कितने का, मैंने एंट्री पास करना है जून के अंदर, 1 जून को मैंने डेबिट किया, CWIP डेबिट कर रहा हूँ मैं, और एडवांस क्रेडिट कर रहा हूँ। CW कितने से क्रेडिट किया मैंने, 7.5 लाख से, 7.5 लाख का अगर 10% लूँ कितना आ जाएगा, 75,000। डन। और पेबल मुझसे कितने हैं, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि इसकी पेमेंट भी कब करूँगा मैं, 30 दिन के बाद कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर को, 6,75,000। तो इसके बाद मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ कब, 1 जुलाई को, कितने से, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट 6,75,000 से, और बैंक क्रेडिट कितने से, 6,75,000 से। धनिया तक बात मेरी। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो जून में वह कितने पैसे पड़े थे, जून तक भी मैं 70,000 होंगे बैंक के अंदर, पैसे कम कब होंगे, जुलाई में कम होंगे, तो 70 मेरे पास बैंक में थे पहले से, और मैंने कितना एक्सपेंस कितने और निकाले मैंने, अगर मैं 675 में से 70 माइनस कर दूँ, 70 पहले से बैंक में थे, तो मुझ पर जनरल लोन कितने का आ गया, तो जनरल लोन का कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जनरल लोन कितने से आ रहा है, 6,05,000 से मुझ पर आ गया लाइबिलिटी आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, 70 हमारे पहले से थे, तो उसमें से अगर 675 का मैं बिल पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं 675 में 70 तो मेरे पास से जो थे वो चले जाएंगे, बाकी 605,000 हो जाए, ठीक है। उसके बाद 605 सेम टू सेम। अब नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब कर रहा हूँ मैं, 1 नवंबर को बिल आ रहा है मेरे पास, तो 1 नवंबर तक सेम रहेगा मेरे पास 605,000, 605,000, 60। अच्छा, नवंबर में सेम एंट्री पास होगी कि CWIP डेबिट करूँगा मैं, कि 1 नवंबर मैंने एंट्री पास करी कि CWIP डेबिट 1 लाख 1 मिलियन से, एडवांस क्रेडिट कर रहा हूँ मैं कितना, 1 लाख रुपए 1 मिलियन का, सही है। देन उसके बाद पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर कितने से, 2 लाख से। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कब करूँगा उसको, 1 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्टर को, तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट हो जाएगा, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट 9 लाख से, और पेमेंट करी मैंने तो बैंक क्रेडिट कर रहा हूँ मैं कितने से, 9 लाख से। डन। तो मैं अपने ओडी को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, 6,05,000 प्लस 9 लाख कितना हो गया, 15। तो ये नवंबर में तो मेरा कितने ही थे, 6,05,000 रुपये, और यहाँ कितना होगा दिसंबर में पास, 15,05,000। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर लेट से मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ अपनी, कि बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, नंबर वन पे क्या है पास, स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक लोन पूरे साल के लिए लिया है मैंने, कोई मतलब रिपे भी नहीं किया, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है मेरे पास, तो कितना हुआ है मेरे पास, लोन कितना लिया था मैंने, 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट कितना, 10 साल के अंदर 15% मल्टीप्लाई बाय 12/12 कितना आया मेरे पास, 1.5 लाख। उसके बाद इसमें से लेस करनी है मुझे क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो कितनी है मेरे पास जनवरी के लिए, जनवरी फरवरी में 7 लाख थे बैंक के अंदर, तो जैन से लेके फेब तक 7 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना रेट था इसका,
7% का मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 12 इनटू कितना आ रहा है 8,167 डन है। उसके बाद फिर 70,000 रुपये कितने महीने रहे मेरे पास बैंक के अंदर, 4 महीने, मार्च से लेके जून तक। तो ये मार्च से लेके जून तक 70,000 मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 12 1,633। देन उसके बाद बस इसके अलावा बैंक में कोई पैसे रहे नहीं थे, बाकी मैं ओडी पे चल रहा हूँ तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इसमें से इसको माइनस कर लो कितना आ रहा है 1,40,200। इसमें हम ऐड कर देंगे जनरल लोन की बोरिंग, तो ये हमने कब से लेकर तक लिया 6,05,000 मेरे पास हैं जुलाई से लेके 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लिए। तो जुलाई टू नवंबर कितना है पास 6,05,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है इसका मेरे पास 20% मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 12 कितना आ रहा है 50,617। उसके बाद 15,05,000 रुपये 1 महीने के लिए, तो दिसंबर से लेके दिसंबर तक पूरा महीना मतलब, और कितना हो गया 15,05,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12 कितना आ रहा है 25,083। तो इनको सम कर लो कितना हो रहा है 75,500। वो कॉस्ट है जो एलिजिबल है कैपिटलाइज होने के लिए। अभी तक मेरा एसेट कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी भी क्या है CWIP, तो इसकी मैं कॉस्ट कैपिटलाइज कर दूँ अली टोटल। तो अगर मैं एंट्री पास करूं यहाँ पे तो CWIP डेबिट होगा, तो पेबल क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों अमाउंट को कर लूँ मैं इसमें इनकॉर्पोरेट। दोनों अमाउंट कौन कौन से हैं मेरे पास 1,50,000 रुपये और 75,500, ये दोनों पेबल है मेरे लिए। तो इसका हम सम कर लेते हैं 1,50,000 प्लस 75,500 कितना हो गया मेरे पास ये 225,500 225,500। रिसीवेबल देखो मेरे लिए कितना रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल डेबिट और CWIP क्रेडिट कर देंगे हम लोग। कितना रिसीवेबल है हमारे लिए 9,800 रुपये की, तो 9,800 यहाँ पे आ जाएगा 9,800। यहाँ तक क्लियर है आपको भी। अब इसके बाद अगर मैं बनाऊँ SOCI, तो SOCI में कुछ एक्सपेंस जा रहा है मेरे पास से, ना कोई इंटरेस्ट जा रहा है ना कोई इनकम जा रही है, जा रहा है कुछ भाई? ना कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना कोई इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि सारी सारी हमने यहाँ पे कैपिटलाइज हो गई है। कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐसा नहीं है जो पीएनएल में जाएगा, सबका सब कैपिटलाइज हो चुका है। डायरेक्ट हम FP बना लेते हैं। तो SOCI में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास एसेट आते हैं, एसेट्स नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में अगर बात करूँ मैं CWIP की,
CWIP में क्या आएगा सबसे पहले, सबसे पहले वो खर्चा कर लो जो हमने पेमेंट करी है नॉर्मली, मैं जितने का मैंने CWIP किया था, कितना हो गया टोटल मेरे पास 1 मिलियन प्लस 7 लाख प्लस 750, कितना हो गया 2,450,000, तो 2,450,000 यहाँ पे आ गया प्लस 450,000 प्लस बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितनी थी मेरे पास 215,000, 215,700 रुपये का कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा CWIP में, तो कितना हो गया टोटल मेरे पास ये 2,665,700 देन उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स में मेरे पास क्या आ रहा होगा, मेरे पास एक रिसीवेबल आ रहा होगा, कितने का रिसीवेबल है मुझ पर रिपोर्ट किया है अभी यहाँ पे रिसीवेबल ये रहा 9,800 रुपये से, कितना आ रहा है 9,800 से, और एक मेरे पास एडवांस भी आ रहा होगा, एडवांस को कैसे चेक करें, अगर लेट से मैंने कितना एडवांस दिया था उसको 3 लाख का एडवांस दिया था, 3 लाख के एडवांस में से मैंने कितना डिडक्ट कर चुका हूँ मैं, तो मैं से निकाल सकता हूँ कि ये मैंने पेमेंट कर चुका हूँ ना, ये CWIP में डेबिट हुआ है, तो इसमें से मैं 90% मैंने पेमेंट किया, अगर ये पेमेंट किया बाकी 10% पेमेंट मैंने नहीं की जो डिडक्ट करता रहा हूँ, तो किसी को डायरेक्ट ले लो कि 2,450,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो कितना आएगा मेरे पास ये 245,000, अगर मैं 3 लाख में से माइनस कर दूँगी तो कितना बचा मेरे पास एडवांस अभी 55,000 डिडक्ट करना बाकी, तो ये मेरे पास एसेट साइड पे ये आ गया। अगर मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आता हूँ, अगर मैं लाइब्रेरी साइड पे आता हूँ तो मेरे पास क्या है कैपिटल वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट मैं नॉन करंट लाइब्रेरी पे आता हूँ, तो नॉन करंट लाइब्रेरी में मेरे पास एक स्पेसिफिक लोन है कितने का 1 मिलियन का, डन। उसके बाद अगर मैं करंट लाइब्रेरी के ऊपर आता हूँ, मैं अगर मैं करंट लाइब्रेरी पे आता हूँ अपने पास, तो मेरे पास एक इंटरेस्ट पेबल है, एक मेरे पास बैंक ओडी है, बैंक ओडी कितना है मेरे पास 15,05,000, तो बैंक ओडी में लिख लेते हैं यहाँ पे 15,05,000, और इंटरेस्ट पेबल कितना है मुझ पर 1,50,000 प्लस 75,500 रुपये, कितना हो गया ये 225,500, तो ये मेरे लिए इक्विटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई, तो ये मेरे लिए कौन सी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट नंबर सी थी, जनरल एंट्रीज वाली रिक्वायरमेंट नंबर, और ये सी है मेरे लिए, ये बी, और ये रिक्वायरमेंट नंबर ए, तो पूरा सवाल हमने सॉल्व किया अभी, तो अब होमवर्क आपके लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, और रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरी पूरी रिक्वायरमेंट यही वाली है हमारे पास, ऐसा बोरिंग कॉस्ट है, एसोसिएशन एफपी है, और जर्नल एंट्रीज है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।